लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सांसद संतोष पांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतार दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा, वही कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा, हमारी सरकार थी तो सभी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही थी। हमने जो वादे जनता से किए थे उन सभी वादों को पूरा किया। भाजपा की सरकार आते ही योजनाओं को उनके द्वारा बंद कर दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 16 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। विक्रय करने में कोई अड़चन न हो और उसमें बहुत उसका शानदार उसका प्रदर्शन रहा और प्राइवेट स्कूल से निकाल के सब लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराए थे। अब जो सरकार ने उसे फिर से शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया है, मतलब उसमें कोई अतिरिक्त तो उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा जिस प्रकार से, और जो स्कूलों की स्थिति है, एकल शिक्षक रहेंगे, दो शिक्षक रहेंगे, विषय के शिक्षक नहीं रहेंगे, उसी प्रकार की शिकायत इसमें भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जो कोशिश हमारी थी और जिसमें 750 स्कूल हम लोग संचालित कर रहे थे, अब वो गुणवत्ता वो नहीं रहेगी, इस बात को मैं कह सकता हूँ। उसी प्रकार के स्वास्थ्य योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना है, वो भी बंद ही है। और साथ ही अब जो किसानों को आज स्थिति क्या है, जब हम सरकार में आए आपको याद होगा कि 2 घंटे के भीतर में जहां हमने ऋण माफी किया था, ये तो ऋण माफी के गृह मंत्री के उप मुख्यमंत्री की वीडियो सबके पास है, 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये लोग जो 3100 रुपये देने की बात कहे थे, आपको उस समय भी याद, 2 घंटे के अंदर में हमने 2500 रुपये देने का फैसला किया और किसानों को सीधा भुगतान होने लगा था। आज इस सरकार बने 3 महीने से अधिक हो गया, अभी तक के किसानों को अंतर की राशि जो समर्थन मूल्य खरीदी हुई उसके भी राशि अभी तक नहीं मिल पाया है। आज सुना है कि महतारी वंदना वंदन योजना की राशि आज जारी की गई, पता नहीं उसमें भी कितनी तारीखें बदली, कितने बार डेट बदले गए, और उसके बाद आज मिला है कि नहीं मिला है, आज मिला है, आज भी संडे है, वो किसी खाते में आया नहीं होगा, संडे में कैसे पता चलेगा। हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जब भाषण देते थे तो ये कहते थे कि गांव के महिला हो चाहे शहर के महिला हो, उससे लेकर कलेक्टर की पत्नी तक और घर में जितनी विवाहित महिला है सबको ये राशि। हमारे दुर्ग में तो भाषण दिए थे वो मनसुख जी, उसे केंद्रीय में भूपेश बघेल की पत्नी को 1000 रुपया महीना मिलेगा, और ये लोग घर घर जा फॉर्म भराए थे। और अब महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए इतने चक्कर काटने पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वोट जब लेना था तो घर घर में जा फॉर्म भराए, अब जब वोट मिल गया सरकार बन गई तो लोग 1000 के रूप के लिए कितना चक्कर काट रहे हैं, सरपंच के पास, पार्षद के पास, बैंक में, तो फिर किसी के पास यदि जॉब कार्ड नहीं है या किसी के पास परिचय पत्र नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी बातें परेशानी होने के बाद भी 3 करोड़ जनसंख्या है इस प्रदेश में, जिसमें आधी आबादी हमारे यहाँ लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है, 1.5 करोड़ आबादी महिलाओं की, अब उसमें 18 साल से कम यदि कहेंगे तो 50 लाख को भी निकाल 1 करोड़ का, और ये लोग दे रहे हैं
70 लाख वो भी चुनाव तक के ही है। उसके बाद आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद राशन कार्ड में सत्यापन के नाम से अधिकांश राशन कार्ड 16 लाख राशन कार्ड पाते थे, 16 लाख आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर करके न केवल मारा जा रहा है बल्कि उनको जेल में फूसा भी जा रहा है, बंद कर रहे हैं, फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों को हमने पीछे धकेल दिया था, 600 गांव खाली उनसे करा लिए थे, सड़कें, पुल, पुलिया, आवागमन, स्कूल, हॉस्पिटल सबका निर्माण हमने किया, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाया। लेकिन अब इस सरकार आने के बाद लगातार, चाहे वो कांकेर हो चाहे बस्तर हो, लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। अब पुलिस पे दबाव है कि कितने नक्सली गिरफ्तार किए। हमारी सरकार थी तो एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई थी, अब फिर भरमार बंदूक की जब्ती शुरू हो गई। भाजपा सरकार में ही भरमार बंदूक की जब्ती होती है, फिर से शुरू हो गया। तो इस प्रकार से इनके कार्यशैली है। और ये जो जितने गारंटी की बात कर रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आना।